हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीजी क्लासेज में। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे बीएचटीसी काउंसलिंग के बारे में, थर्ड लिस्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कट ऑफ क्या जाएगी, क्या थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि थर्ड लिस्ट आएगी तो उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, ये भी बताएंगे। तथा थर्ड लिस्ट के बाद में क्या वेटिंग लिस्ट भी आती है या नहीं आती है, सारी जानकारी हम थर्ड लिस्ट के बारे में इस वीडियो में देंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें कि थर्ड लिस्ट के बारे में, तो सभी को बता दें कि थर्ड लिस्ट आएगी, तो आएगी तो कब आएगी ये भी इस वीडियो में बताएंगे। तो थर्ड लिस्ट लगभग 15 दिन के अंदर आ जाएगी, 15 से 20 दिन के अंदर थर्ड लिस्ट आ जाएगी। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इस बार थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं, तो आप सभी को बता दें कि पिछली बार भी थर्ड लिस्ट भी आई थी, फोर्थ लिस्ट भी आई थी, और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी आई थी। इस बार थर्ड लिस्ट के बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन थर्ड लिस्ट तो आएगी, उसके बाद में देखते हैं वेटिंग लिस्ट आती है या और भी लिस्ट निकलती है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तथा कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ भी देख लीजिए। देखिए कट ऑफ थर्ड लिस्ट में इसके समथिंग कट ऑफ जाएगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इससे कम कट ऑफ जाने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपने सेकंड लिस्ट में देखा है कि क्या कट ऑफ गई है। जनरल मेल की 395 जाएगी, तब फीमेल की 390 प्लस जाएगी। जिनके 395 है, अभी सेकंड लिस्ट में क्या होता, जिनके 400 प्लस नंबर थे उनको कॉलेज मिली है, तो इस बार 395 जिनके प्लस हैं उनको कॉलेज मिल जाएगी थर्ड लिस्ट में। तथा फीमेल में जिनके 390 प्लस है उनको मिल जाएगी। तथा नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में जिनके 393 प्लस है उनको ही इस बार कॉलेज मिलेगी थर्ड लिस्ट में, और फीमेल में जिनके 388 नंबर है उनको कॉलेज मिल जाएगी। तथा कट ऑफ की बात करें थर्ड में ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी 393 प्लस तथा 383 प्लस जिनके नंबर है 88 प्लस है, उनको फीमेल में कॉलेज मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तथा ओबीसी की कट ऑफ लगभग समथिंग सेम ही रहती है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। कट ऑफ की बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की कट ऑफ 390 प्लस तथा फीमेल में 385 नंबर प्लस है जिनके, उनका थर्ड लिस्ट में नंबर आ जाएगा। ये मत समझिए कि जिनके कम नंबर है उनका नंबर नहीं आएगा, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी तो वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर आएगा। कभी कभी क्या होता है, जिनको कॉलेज मिल जाती है वह ज्वाइन नहीं करते हैं, वह उससे पहले किसी या तो बीटेक करने लग जाते हैं, वह भी सभी देते हैं एग्ज़ाम, तो या बीएड वाले ऑप्शन में चले जाते हैं, इसलिए सीटें खाली रह जाती है। इसलिए थर्ड लिस्ट के बाद में वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है, तो उसमें कम नंबर वालों को बुलाया जाता है। नेक्स्ट कट ऑफ की बात करें 80 की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके समथिंग कट ऑफ रहेगी। मेल की बात करें तो 385 प्लस जिनके नंबर उनको मिल जाएगी, तब फीमेल में जिनके 380 प्लस नंबर आ रहे हैं उनको मिल जाएगी। तथा बात करें एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ लगभग 380 प्लस है, तथा फीमेल की बात करें तो 375 प्लस कट ऑफ रहेगी। तथा आपको बता दें कि ये थर्ड लिस्ट कब तक आ जाएगी, तो 15 दिन मान के चलिए, 15 दिन में आ जाएगी, यानी 15 फरवरी के समथिंग आ जाएगी। 15 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी, तथा उसके बाद में वेटिंग लिस्ट, यानी कि फरवरी में ही वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी, यानी जिनके 380 है एसटी में उनको मिल जाएगी कॉलेज, तथा 370 भी है उनको वेटिंग लिस्ट में मिल जाएगी, तथा जनरल में जिनके 380 प्लस है उनको वेटिंग लिस्ट में मिलने के चांस है, 390 प्लस है जिनके उनको वेटिंग लिस्ट में मिलने के चांस है। इस बार कट ऑफ ज़्यादा गई थी, क्योंकि 3000 सीटें कम हो गई थी, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति है जिनके ओबीसी की बात बताते हैं, जिसके 395 प्लस है, तथा उसने 115 कॉलेज भरी, ऑल राजस्थान नहीं किया, इसलिए उसको कॉलेज नहीं मिली है कोई भी। इसलिए जिन्होंने ऑल राजस्थान किया है, 380 प्लस है एसटी में, उनको थर्ड लिस्ट में मिल जाएगी, तब फीमेल में 375 प्लस है उनको भी मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको सर्वप्रथम बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।